दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। झुकना पड़ा ईरान की सरकार को। जी हां दोस्तों, मॉरेलिटी पुलिस को भंग कर दिया गया है। सीधी खबर आपको बता रहा हूं और सीधी जबान में बता रहा हूं। इससे पहले भी कई दिन से मैं आपको इस बारे में हिंट दे रहा था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए कहता हूं अंधभक्त मत बनिए, भक्त बनिए। ईरान के अंधभक्त जो थे लगातार जो हमारी अपडेट पर आलोचना कर रहे थे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। देखिए ईरान की सरकार अब पूरी तरह से झुक गई है। आपको बता दूं कि ईरान में जो मोरालिटी पुलिस है उसको भंग कर दिया गया है। सन 2006 में ईरान की मोरालिटी पुलिस को बनाया गया, जो ईरान की IRGC फोर्सेस बासिज नाम है उसके साथ मिलकर काम करती थी। और इसका काम यह था कि कानून है ईरान में कि हेड स्कार्फ पहनना ज़रूरी है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी ज़रूरी है ये कि किसी महिला के साथ पब्लिक प्लेस में कोई उल्टी सीधी, मतलब अगर गर्लफ्रेंड भी हैं, अगर आप शादीशुदा भी हैं तो एक लिमिट है समाज को गंदा ना होने देने के लिए कि पब्लिक प्लेस में आपको ज़्यादा इंटीमेट ना हो, इस तरह की चीज़ें हैं। और क्या पहनना है, कितना पहनना है, ये सब ईरान में कानून था और वो सब ये मोरालिटी पुलिस ट्रैक करती थी। बहरहाल इसी मोरालिटी पुलिस ने ही माशा अमीनी को गिरफ्तार किया था और कहा यह गया है कि इन्हीं की पिटाई की वजह से माशा अमीनी की मौत हो गई, जिसके प्रदर्शन के चलते हुए 300 से ज़्यादा आम नागरिक इस प्रदर्शन के चलते मारे गए हैं। और आखिरकार हमने आज ही की रिपोर्ट बताया था कि ईरान के CGI हैं और जो पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं वो इस बारे में सोच रहे हैं कि इस कानून को ही बदल दें या नहीं। तो ये सबसे बड़ा कदम होगा अगर कानून ही बदल दिया जाएगा कि हाँ हिजाब लगाना, इसका पहनना ज़रूरी नहीं है। फिलहाल जो मोरालिटी पुलिस है वो ख़त्म हो चुकी है। ईरान के क्रांति के बाद जो 1979 में ईरान में क्रांति आई, उसके बाद जो दोस्तों 2006 आया तो इसमें गश्ते इरशाद नाम की एक टीम को बनाया गया, जो ड्रेस कोड समझ लीजिए कि महिलाओं के लिए एक फिक्स है कि हेड स्कार्फ पहनना ज़रूरी है, अगर नहीं पहनेंगे तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा एक कानून और एक मोरालिटी पुलिस बनाया गया था, ये ईरान के कानून में है। अब इसको पूरी तरह से भंग कर दिया गया है। ईरान का ये झुकाव देखिए, जो कहीं नहीं झुका अपनी जनता के आगे झुक गया। बहरहाल दोस्तों ईरान के झुकने के बाद अब वेस्ट के देशों में अलग लेवल की खुशियां देखी जा रही है, खुशियां भारत में भी देखी जा रही हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और याद रखिएगा कि ईरान की सरकार, ईरान के लॉ मेकर्स, कानून मंत्री इस बारे में भी सोच रहे हैं कि ईरान में जो कानून है हिजाब पहनने का, कि हिजाब पहनना ज़रूरी है, हेड स्कार्फ सर ढकना ज़रूरी है, इस कानून को बदलना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर भी बातचीत चल रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं फिर कितना बड़ा बवाल होगा और ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। रिपोर्ट को अपने सभी दोस्तों यारों को शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।